तो बच्चों नमस्कार, आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों जैसा कि इस समय जो है कांसेप्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन चल रहा है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है, चाहे नीट का पेपर है और चाहे बोर्ड का पेपर, सभी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम वीडियो की स्टार्ट करें इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे क्या फायदा होता है कि हर एक वीडियो आपके पास तक पहुंचता रहेगा और इसे जो आपके परिचित उनके पास से शेयर करिए, इससे क्या फायदा होता है कि हर एक वीडियो उनके पास तक भी जो पहुंचता रहेगा। तो जैसा कि हम नाइट्रोजन की जो होता है डिफिशियंसी सिम्टम की बात कर रहे थे इससे पहले की वीडियो में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है वो, तो माने कि इसमें क्या होता है कि डिफिशियंसी सिम्टम ऑफ नाइट्रोजन, तो पत्तियों में येलोइंग जो है नाइट्रोजन की पहला पॉइंट होता है, पत्तियों में जो येलोइंग होता है वह नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है। अब होती पत्तियों में क्लोरोसिस जो होता है वह नाइट्रोजन की कमी से होता है वो, और सर्वप्रथम यह लक्षण जो होता है प्रौढ़ पत्तियों में होता है, उसके बाद जो होता है युवा पत्तियों में ये दिखाई देता है। अब होती क्लोरोफिल वर्णक की कमी के कारण जो है वो पौधों की पत्तियों में एंथोसायनिन नामक रंग को प्रदर्शित करता जो है वो, उदाहरण टमाटर आज पौधों में तना पत्ती की सिराओं जो है वो सिराओं में एंथोसायनिन नामक वर्णक के कारण जो होता है यह लाल बैगनी धब्बित टाइप दिखाई पड़ता है वो, माने कि बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है ये। फिर अगला होता है इससे पौधों की वृद्धि, माने नाइट्रोजन की कमी से पौधों की वृद्धि रुक जाती है वो, जिससे कि प्रोटीन निर्माण कोशिका विभाजन आदि क्रियाएं जो होते हैं प्रभावित होती है। अब होती अगला हेडिंग होता है, नेक्स्ट हेडिंग आता है सल्फर, सल्फर को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, यस कहते हैं जो है वो। अब होती है कि सल्फर जो होता है पौधों में कार्बनिक रूप में मिलता है वो, और पौधों में यह 1.05 से 1.5% तक होता है। अब होती है सल्फर का स्रोत, तो पौधे जो होता है सल्फर का अवशोषण मुख्यतः घुलनशील सल्फेट के रूप में करते हैं जो है वो। अकार्बनिक सल्फर मृदा में खनिज के रूप में मिलता है वो, तो पाइराइट जिप्सम और जो है वो इम्सोसाइट एवं कोबाल्ट आज जो होता है वो आज इसमें अंतर्गत आते हैं वो। अब होती है जैव ऑक्सीकरण में कुछ जीवाणु जो होता है सल्फर को सल्फेट में परिवर्तित, माने सल्फर को सल्फेट में परिवर्तित कर देते हैं वो। अब होती है सल्फर के कार्य, माने कि स्पेसिफिक रोल ऑफ द सल्फर, तो पहला होता है सल्फर कोशिकाओं में मौजूद अनेक पदार्थों में पाया जाता है वो, अनेक एमिनो अम्ल युक्त यौगिकों जैसे कि सिस्टाइन और मिथियोनाइन में, विटामिन जैसे कि वायोटिन और थायमिन में, और को एंजाइम आदि में जो है वो। नंबर दो होता है सल्फर द्वारा प्रोटीन की अस्थायी संरचना में, सल्फर बांड निर्मित होते हैं जो है वो। अब होती है कुछ एंजाइम की क्रियाओं में सल्फ हाइड्रिल ग्रुप महत्वपूर्ण होता, माने ऐसे ग्रुप जो होता है क्या होता है महत्वपूर्ण होता जो है वो। सल्फर फेरोडाइऑक्सिन और क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित लिपिड्स का ये महत्वपूर्ण घटक होता जो है वो। सल्फर जैव संश्लेषण और क्लोरोफिल संश्लेषण में जो होता है उपयोगी और महत्वपूर्ण होते हैं वो। सल्फर की उपस्थिति में लेग्युमिनेसी जो कुल के पौधे होते हैं, माने जो दलहनी कुल के पौधे होते हैं, उनकी जड़ों में ग्रंथिकाओं का निर्माण और विकास अधिक होता है वो। अब होती है डिफिशियंसी सिम्टम ऑफ सल्फर, मिस होता है डिफिशियंसी सिम्टम, डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ द सल्फर। अब होती है सल्फर की कमी न्यूनता के कारण युवा पत्तियों में जो होती है क्लोरोसिस पीलापन दर्शाती है वो। नंबर दो होता है हरिणहीनता की प्रक्रिया जो होती है नई व युवा पत्तियों में प्रारंभ होती है वो। अब होती है युवा पत्तियों की अग्रभाग या किनारे जो होता है पीले होकर के भीतर की ओर जो होता है मुड़ जाते हैं वो। अब होती है कि सल्फर की न्यूनता कमी के कारण जो होता है दृढ़ ऊतक का अधिक विकास होने के कारण जो होता है तना कठोर हो जाता है वो, और सल्फर की न्यूनता में रूट सिस्टम जो होता है, रूट सिस्टम माने जड़ तंत्र जो होता है वह अधिक विकसित हो जाता है वो।
सल्फर की न्यूनता से पत्तियों में साइज जो होता है छोटा हो जाता है एवं पौधे जो होता है स्तंभित या स्टंटेड हो जाते हैं जो है वो, और सल्फर की न्यूनता में एंथोसायनिन ज्वरण का निर्माण जो होता है अधिक मात्रा में होता है। ये किसके बारे में रहा? ये रहा सल्फर के बारे में रहा जो है वो। अगला हेडिंग होता है पोटेशियम। नेक्स्ट हेडिंग है पोटेशियम। पोटेशियम को साठ में क्या कहते हैं? इसका सिंबल जो होता है के होता है वो। पोटेशियम को हम सिंबल जो होता है इसका के, कैसे इंडिकेट करते हैं वो। अब होती है कि पोटेशियम पौधों में 0.3 से 6% तक उपलब्ध रहता है, माने कि यह जो होता है पौधों में जो होता है 0.3 से 6% तक जो होता है ये उपलब्ध रहता है वो पोटेशियम के स्रोत। तो पोटेशियम मृदा से खनिज के रूप में उपलब्ध होता है, और उदाहरण जो होता है बायोटाइट इलाइट और इत्यादि। पोटेशियम मिट्टी में जो है वो तत्व के रूप में रहते हैं। नंबर एक फिक्स्ड होता है, नंबर सेकंड एक्सचेंजेबल होता है, और नंबर थर्ड होता है ब्रिल्टेड होते हैं जो फिर वो। अब होती है कि पोटेशियम को के आयन के रूप में पौधे जो होता है अवशोषित करते हैं, और पौधों के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और उसकी कलिकाओं वर्णों पर्णों तथा मूल शोधों में पौधों में मूल डोमे में पोटेशियम की अपेक्षाकृत अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है वो। अब होती है पोटेशियम के कार्य, माने स्पेसिफिक रोल ऑफ पोटेशियम माने पोटेशियम के रोल क्या होते हैं वो। अब होती है पोटेशियम पौधों के श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण की विभिन्न क्रियाओं में संचालन में सहायक होता है जो है वो। नंबर दो होता है पोटेशियम रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रिया, माने स्टोमेटल मूवमेंट में जो होता है महत्वपूर्ण योगदान देते हैं वो। नंबर थर्ड होता है पोटेशियम पौधों की वृद्धि के लिए अति आवश्यक होते हैं जो है वो। नंबर चार होता है पोटेशियम लगभग 24-40 विभिन्न एंजाइम का सक्रियतात्मक या एक्टिवेटर होता है जो है वो। नंबर पांच होता है पोटेशियम प्रोटीन संश्लेषण के समय पेप्टाइड बॉन्ड के निर्माण के लिए जो होता है निर्माण के लिए काम आता है वो, और यह इम्यूनो अम्ल प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है वो। अगला होता है पोटेशियम की आवश्यकता जो होती है डीएनए पॉलीमरेज एवं माइटोकांड्रिया में एंजाइम की सक्रियता के लिए जो होता है होते हैं वो। अगला पॉइंट होता है पोटेशियम की आवश्यकता जो है शर्करा एवं मंड के संश्लेषण और उनके स्थानांतरण के लिए बच्चों ये होता है जो है वो। अब होती है पोटेशियम की आवश्यकता कोशिका विभाजन माने सेल डिवीजन क्लोरोफिल के विकास और नाइट्रेट के अपचयन में जो होती है वो। यह कोशिकाओं की स्फीत अवस्था बनाए रखने में जो होता है वो सहयोग करता है वो। अगला पॉइंट होता है पोटेशियम कोशिकाओं में धनायन ऋणायन माने जो होता है कैटायन और आयन संतुलन का निर्धारण करता जो है वो। पोटेशियम जो होता है पारगम्यता एवं जलयोजन को भी नियंत्रित करने का महत्वपूर्ण कार्य करता है वो। पोटेशियम सिट्रिक अम्ल संश्लेषण आदि में जो होता है उसमें भी प्रतिक्रिया में भी सहायक होता जो है वो। अब होती है पोटेशियम के न्यूनता के लक्षण माने डिफिशियंसी ऑफ पोटेशियम माने डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ द पोटेशियम। तो पोटेशियम की न्यूनता में पौधों की पत्तियां जो होती हैं वो माने कि मोटल्ड हो जाती जो है वो। माने पहला पॉइंट होता है पोटेशियम की न्यूनता में पौधों की पत्तियां जो होती हैं मोटल्ड हो जाती हैं। नंबर दो होता है पोटेशियम न्यूनता में क्लोरोसिस या हरी न्यूनता हो जाती जो है वो। अब होती है पोटेशियम न्यूनता में पत्तियां जो होती हैं पत्तियां नीचे की ओर मुड़ जाती हैं वो। नेक्स्ट होता है पौधों की वृद्धि जो होती है प्रभावित होती है और रुक जाती है वो। पोटेशियम न्यूनता का प्रभाव जो है पहले प्रौढ़ और नीचे की ओर वाली स्थित पत्तियों में दिखाई देता है वो। तो बच्चों आज के लिए इतना पर्याप्त, लाइक करना भूलिएगा। धन्यवाद।